वेलकम बैक अगेन टू एनसीकपल टीवी। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज हमारा वेगस डे 2 का है ये थर्ड व्लॉग, ग्रैंड कैनियन वेस्ट रिम। होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने हूवर डैम कवर किया था। उसके बाद एक उसकी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो है जो कि हूवर डैम से है अप्रोक्सीमेटली 1 hour 30 minutes की डिस्टेंस पे। ओवरऑल हमें 89 miles कवर करना है। यहाँ पे क्रॉस विंड चली तो बी क्वेश्चन, अगर आप इधर पे आ रहे हैं, क्या रोड बनाई है उन्होंने, एकदम अल्टीमेट दोनों तरफ पहाड़ है। हम आपको व्यू दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए और साथ में देखते हैं ग्रैंड कैनियन। डैम से जब आगे निकले ये व्यू पॉइंट आया, पीछे देखिए आप मेरे ये पूरे बड़े बड़े पहाड़ है। आई डोंट नो कैसा कवर हो रहा है फोटो में, एकदम नेचर के बीच में है तो बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही सीनिक व्यू है। और लोग ऐसे आते हैं अपने पिक्चर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक फूड स्टॉल लगा हुआ है पीछे, ये फूड साइड से ही रहेगा, कम से कम 40 minutes हो जाएगा। ये लिया है हमने खाने के लिए इसको खाते हुए। एरिजोना में ये ग्रैंड कैनियन जब जा रहे होते हैं तो बीच में इनका एक छोटा सा टाउन टाइप का पड़ता है, पहाड़ों के साइड में लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। मतलब आप सोचिए ये नेचर के कितना पास रहते हैं। ग्रैंड कैनियन जाते हुए रास्ते में हमें अमेजिंग पेड़ दिखे, एक नहीं बहुत सैकड़ों। वो है तो कुछ कैक्टस जैसे, एग्जैक्ट नाम हमें पता नहीं उसका, लेकिन वो हमसे बहुत बड़े हैं हाइट में और रास्ते में सिर्फ वही पेड़ है। तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी ना कभी तो नजर आ। ग्रैंड कैनियन में आप सबका स्वागत है। साइड में हेलीकॉप्टर भी खड़ा है अगर आपको हेलीकॉप्टर राइड लेनी है तो। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं, अगर आप ट्रैवलर बस से आ रहे हैं तो आपको यहाँ आके रुकना होगा इस जगह पे। सब आके अपनी कार पार्क करेंगे, यहीं के लोग आपको शटल प्रोवाइड करते हैं और बस टूर प्रोवाइड करते हैं जो हमें लेके जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको बस टूर, हेलीकॉप्टर टूर। ये कहाँ खो गया था, ये पूरा टेंट से बनाया है क्या? ये है ग्रैंड कैनियन का रिसेप्शन टाइप का हॉल जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें मिलेंगी, एक मेमोरी की तरह अपना लेके इकट्ठा कर सकते हैं। हमें पड़ा है $60 का, लॉन्ग विद टैक्स हम दोनों को मिला $130 के 2 tickets। यहाँ से आप हमें बस घुमाएगी, वापस हमें यहीं छोड़ेगी और फिर हमें यहाँ से आके अपनी कार उठानी और वापस वेगस जाना है। ईगल पॉइंट पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं ईगल पॉइंट पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है ईगल पॉइंट ग्रैंड कैनियन का। दिल के धड़कने से तो आए जाना, हमारे सब सब के हो जाए आना, इस तर धोरे तुम कैसे सोए जाना, इस तर धोरे लो लो लोरी सुनाना। तीन तीन आगे भाई, ये जो आप हट देख रहे हैं ना, ये यहाँ की जो ट्राइब रहती थी वो ऐसे घर बना के इसके अंदर रहती, तो आप देखते हैं कैसा आर्किटेक्चर है इसका। बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इसके अंदर हल्की सी ठंडा है, ऐसे ये घर हर जगह यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे है। ये तो लोगों ने यहाँ पे प्यार का पंचनामा बना रखा है। Oh, 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 oh,
आपने ईगल पॉइंट देख लिया, स्काई वॉक देख लिया, अब आपको दिखाते हैं गोनो पॉइंट। बस लिए ये होम वालो पॉइंट। ये पॉइंट फेमस है कि आगे तक जाके व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रैंड है, इसीलिए इसका नाम ग्रैंड कैनियन दिया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख दिख सर घूम जाएगा। कपल ऑफ एक पॉइंट्स, एक ट्रैक करके हम ऊपर आए और ये देखे मेरे पीछे का व्यू कितना ज्यादा क्लासिक है। ये सर्दी जब आए कब कब आए संभालो, जमीन पर लाके हमें गवाए संभालो हमको, सभी से प्यार चाहे सबके राह सभी से प्यार चाहे ठंडी हवा। ओवरऑल हमने पूरा ग्रैंड कैनियन कवर कर लिया। दो मेन पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए, एक ईगल पॉइंट और दूसरा था क्यानो पॉइंट। ईगल पॉइंट में स्काई वॉक कर सकते हैं और एक ईगल जैसा शेप का पत्थर है बहुत बड़ा था, वो आप फोटोज वहाँ खिंचा सकते हैं। सेकंड था गोनो पॉइंट, वो बहुत ही अल्टीमेट सीनिक था क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई बाउंड्री नहीं थी, इतना एक्सटेंड तक आप आगे जा सकते हैं बाकी तो खाई है नीचे, नेचर को फील कर सकते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद बस शटल ने पिक किया और वापस लाके हमें कन्वेंशन सेंटर में छोड़ दिया। हम यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी उठाएंगे, वापस वेगस की तरफ निकलेंगे। होप आपको ग्रैंड कैनियन का भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं वेगस के नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू गाइस, लव यू। हेलो गाइस, वी आर एंडिंग आवर डे नंबर 2 इन वेगस विद 7 मैजिकल माउंटेन्स। ये आडो की खासियत ये है कि चारों तरफ सैंड है और सैंड के बीच में ये स्टोन रखा गया है और बहुत ही हाई विंड है, तो ये किस तरीके से बैलेंस किया है वो एक देखने वाली चीज है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हो गई नेवाड़ा में। यस, तो अब हम आपको दिखाते हैं। और मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारे राम साथ सांस लेता गया। कह दो ना हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना जज्बात में खो लेना। अभी ट्रिप एंड नहीं हुई है, वेगस में भी बहुत सारी चीजें दिखानी बाकी है, वो सब नेक्स्ट वीडियोस में और व्लॉग्स में कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।